सब्सक्राइब करें टेक्निकल दृष्टिकोण को और साथ में बेल आइकन दबाएं सबसे पहले टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग किसी भी प्रत्याशी जैसे मुखिया, सरपंच, वार्ड, BDC का अगर आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन से पोस्टर और भी हार्दिक अभिनंदन का बनाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे बना सकते हैं, वो भी बड़े स्टूडियो की तरह, जो आप लोग बहुत सारे स्टूडियो का जो देखते होंगे कि प्रिंटर वाले होते हैं वो बहुत बेहतरीन पोस्टर बनाते हैं। तो अगर उस तरह का पोस्टर अगर आप लोग अपने मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बना सकते हैं। तो गाइज, आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर मैं खुद का एक इस तरह से BDC का पोस्टर तैयार किया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरह से पोस्टर कैसे आप लोग बना सकते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आप लोग के लिए नॉलेजबल होने वाला, तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद आता है तो आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना है, चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पिक्चर लाइव एप्लीकेशन की ज़रूरत होगा। आप लोग इसको बनाने के पिक्चर लाइव एप्लीकेशन से ही इस तरह से बना सकते हैं। तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर आना है, उसके बाद पिक्चर लाइव में आप लोगों को डायरेक्ट आ जाना है। आने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दिया गया है इसी तरह का आप लोग सारे यहाँ पे स्क्रीन दिखेंगे जो है स्क्रीन। तो मैं यहाँ से पहले जो एक प्रोजेक्ट बनाया, जो मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाने के लिए कि कैसे आप लोग अपने क्रिएटिविटी एक बड़े स्टूडियो लेवल की तरह बना सकते हैं। आप लोग कोई भी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही खुद का हर चीज़ कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो गाइस, चलिए मैं अब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले गाइज, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि मैं सारे जो डिज़ाइन किया हूँ यहाँ पे BDC मेरा, जो कि मैं BDC का ही पोस्टर यहाँ पे तैयार किया। और आप लोग जब इस तरह से प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं तो आप लोग हर प्रकार के पोस्टर चाहे तो इसी में कुछ चेंजिंग करके बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में आप लोगों को लिखना है आपका विकास, आपका साथ और आपका विकास, ऊपर में ये लिखना आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो भी आपको नारा एक अच्छा लगता है, नारा ये है तो आप लोग को उसी नारा को लिख लेना है। सबसे पहले लिखने के लिए आप लोग को मैं तरीके बताऊँगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ओवरव्यू जान लीजिए कि कहाँ पे क्या लिखना है। ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि कोई भी हार्दिक अभिनंदन का पोस्टर या शुभकामनाएं का तो कहाँ पे क्या वर्ड लिखना चाहिए। ये बहुत आप लोगों को इम्पोर्टेंट होता है, जो अगर आप लोग इस तरीके को अगर नहीं जानेंगे तो आप लोग अच्छी तरह से जो है कि एक पोस्टर नहीं बना पाएंगे। देखिए गाइज, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये नव वर्ष, मकर संक्रांति, महापर्व, गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी और होली के अवसर पर 2021। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना पंचायत लिखना है और उसके बाद यहाँ पे समाप्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इतना लिखने के बाद गाइज, आप लोगों को यहाँ पे फिर नेक्स्ट काम ये लिखना है कि आपका और आपका अपना BDC भाभी प्रत्याशी, ठीक है। यहाँ पर अभिभावक में कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है। अब बात आता है कि इस तरह से कैसे टेस्ट में लिखें, कैसे कलर करें, तो उसके लिए मैं इसका भी वीडियो बहुत सारा बना दिया हूँ कि कैसे आप लोग कलर कर सकते हैं, कैसे एक बेहतरीन एडिट आप लोग अपने फॉन्ट को लेकर कर सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट को करता हूँ बंद। यहाँ पर तो गाइज, ये वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजबल होगा तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो में बने रहना, ताकि प्रोजेक्ट जब आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोग किसी भी थंबनेल या पोस्टर को नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे इस तरह से एक बैकग्राउंड सबसे पहले आप लोगों को लेना होगा। बैकग्राउंड लेने के लिए यहाँ पे चौथे स्थान पर क्लिक कर देना, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को जैसे आएंगे तो 1 2 3 4 के बाद एक यहाँ पे ऑप्शन कॉपी का आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद या तो आप लोग बैकग्राउंड यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे कि कलर दिया गया इससे भी ले सकते हैं,
उसके बाद इमेज साइज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रॉपिंग भी यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद इमेज और यहाँ पे फ्रॉम गैलरी, तब फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके आप लोग अगर पहले से कोई बैकग्राउंड बना कर रखें या गूगल से डाउनलोड किया है तो जैसे यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का यहाँ पे सिर्फ इस तरह से फाइल ओपन हो जाएगा जो आपका स्टोरेज है। तो इस तरह से गाइस आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैं ये पर जैसे क्लिक करता हूँ तो टेस्ट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आप लोग टेस्ट लिख सकते हैं। देखिए ये टेस्ट, तो यहाँ से टेस्ट भी आप लोग आसानी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग उस तरह से टेस्ट जो मैं लिखा हूँ उस तरह से टेस्ट आप लोगों के सवाल आते होंगे कि किस तरह कैसे लिखें। तो उसके लिए गाइस मैं किनारे से यूनिक कोड का यूज किया हूँ। यूनिक कोड अगर आप लोगों को अच्छी तरह से चलाने नहीं आता है तो आप लोग जाइए, मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाकर उसको एक देख सकते हैं वीडियो को कि कैसे यूनिक कोड में किसी भी फॉन्ट को ऐड करके लिखते हैं, वो भी स्टाइलिश लेवल का। तो चलिए अब यहाँ से मैं अपने फॉन्ट को करता हूँ अनलॉक। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितने सारे मेरे पास फॉन्ट है उसको मैं सारे को आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कैसे किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक एक करके आप लोगों को सब एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे मैं यहाँ पे इस तरह से अपने टेस्ट को यहाँ पे शो कर दिया हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है आप लोगों को एडिट करके दिखाने का। देखिए जितने सारे मेरे पास ये आप लोगों को दिख रहे होंगे ना, ये देखिए बसंत होली, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके और एडिट पाता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से ये आ जाता है आप लोगों को कोडिंग। इसको आप लोगों को लिखने के लिए यूनिक कोड की ज़रूरत होगा, तभी आप लोग इस तरह से इंग्लिश में टेस्ट लिख कर और आप लोग एक अच्छी टेस्ट बना सकते हैं। उसके बाद गाइस ये मेरा टेस्ट रहा खुद का, मैं इसको भी आप लोगों को दिया हूँ। आप लोग अगर इसको नहीं डाउनलोड किए हैं तो जाइए, बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन में दिया हूँ तो आप लोग जाकर उसको डाउनलोड करिए फ्री में। और उसके बाद ये मेरा टेस्ट और ये टेस्ट मैं खुद का बनाया हूँ। तो गाइस आप लोगों का ये जो टेस्ट दिख रहा है, चलिए मैं यहाँ पर लॉक पर क्लिक करते हैं और यहाँ से देखता हूँ कि लॉक मेरे पास कुछ है और ऑप्शन में, तो इसको मैं यहाँ से देखिए ये रहा जो टेस्ट आप लोगों को देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये वाले टेस्ट तो आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ टेस्ट पर। टेस्ट पर आने के बाद फॉन्ट में आना है और फॉन्ट में आने के बाद देखिए ये रहा मेरे पास फॉन्ट, ये वाला देखिए ये वाला मेरे फॉन्ट है ये वाला। तो आप लोग इस तरह से फॉन्ट को ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप लोग को फ्री में फॉन्ट मिल जाते हैं ये वाले फॉन्ट। तो आप लोग आसानी तरीके से फॉन्ट यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल दिया गया है, इंटरनल आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग कहीं पर अगर किनारे से ऐड करेंगे एक्सटर्नल तो वो भी आप लोग गूगल से जाकर डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे जितने सारे आप फॉन्ट की बात आता है कि कितने फॉन्ट यहाँ पे यूज हुए हैं। फॉन्ट देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट एक अलग सा है और ये फॉन्ट और ये फॉन्ट एक ही है। ये जो फॉन्ट हुआ है वो AMS आकाश, उसके बाद आकृति देव फॉन्ट है। बस यही सिर्फ दो फॉन्ट मेरे पास से मैं इस प्रोजेक्ट को बनाया हूँ। तो आप लोग इस तरह से अपने किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना चाहें तो आसानी तरीके से बना सकते हैं। देखिए जब इस तरह से प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो आप लोग इस फ़ोटो को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ फ़ोटो फ़ोटो पर इस तरह से आप लोग कोई भी फ़ोटो अलग से लगा सकते हैं। देखिए तो गाइज इस तरह से आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। आई होप गाइज अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोगों को पोस्टर बनवाना है तो आप लोग ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पोस्टर है गाने का या फ्लेक्स बैनर बनवाना है तो आप लोग जरूर कांटेक्ट करिए, मैं आप लोगों को बनाने की बनाकर दे दूंगा। तो आई होप गाइज वीडियो पसंद आएगा, जरूर वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कि पीस, शांति, सन गॉड, नमस्ते।